नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यू टाइप्स के बारे में। व्यू टाइप की मदद से हम हमारे रिसाइक्लर व्यू के अंदर मल्टीपल टाइप के व्यूज दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमएक्स प्लेयर एप्लीकेशन में आप देख सकते हो हमारी जो वीडियोज की लिस्ट है उनके बीच में कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो ये हम अचीव कर सकते हैं व्यू टाइप्स की मदद से। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एग्जाम्पल लेके व्यू टाइप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये सीखते हैं। तो यहाँ है मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो, मैं यहाँ पे नया एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ मैं बेसिक एक्टिविटी टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि बेसिक एक्टिविटी टेम्पलेट के साथ रिसाइक्लर व्यू की डिपेंडेंसी ऑलरेडी एडेड मिलती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम होगा रिसाइक्लर व्यू व्यू टाइप एग्जाम्पल फिनिश। अब यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट रेडी है और यहाँ पे हमारे पास एक लेआउट है जो कि हमारी एक्टिविटी का लेआउट है और यहाँ पे हमारा एक्टिविटी क्लास है मेन एक्टिविटी क्लास। तो यहाँ मेन एक्टिविटी में सबसे पहले मैं ये अननेसेसरी कोड रिमूव कर देता हूँ, ये और ये फ्लोटिंग एक्शन बटन वाला। अब व्यू टाइप सीखने के लिए हमें रिसाइक्लर व्यू बनाना होगा, तो सबसे पहले हम रिसाइक्लर व्यू बनाते हैं। तो यहाँ मैं जाऊँगा कंटेंट मेन के अंदर, यहाँ जो XML कोड है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ रिसाइक्लर व्यू। इसकी विड्थ होगी मैच पैरेंट, हाइट होगी मैच पैरेंट। इसे मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी रिसाइक्लर व्यू। अब हमारा रिसाइक्लर व्यू विजेट रेडी है। अब मैं जाऊंगा मेन एक्टिविटी के अंदर, यहां मैं डिफाइन करता हूं हमारे रिसाइक्लर व्यू का ऑब्जेक्ट रिसाइक्लर व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.recyclerView। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एडेप्टर क्रिएट करना। तो यहां मैं एक नया क्लास क्रिएट करता हूं, न्यू जावा क्लास एडेप्टर। इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ recyclerView.adapter। अब यहाँ हमें तीन मेथड्स ओवरराइड करनी होगी, तो उसे ओवरराइड करने के लिए हमें होल्ड करना है अल्ट बटन, प्रेस करना है एंटर और यहाँ चूज करना है इम्प्लीमेंट मेथड्स ऑप्शन। तो ये सारी मेथड्स हमें ओवरराइड करनी होगी, तो यहाँ मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ने ये सारी मेथड्स हमारे लिए ओवरराइड कर दिए। अब हम जो रिसाइक्लर व्यू बना रहे हैं वो रिसाइक्लर व्यू एक मूवीज की लिस्ट होगी और इस लिस्ट के अंदर दो टाइप के व्यूज होंगे, एक तो होगा मूवीज की इंफॉर्मेशन वाला व्यू और दूसरा होगा एडवर्टाइजमेंट का व्यू जिसमें हम कोई भी एड दिखाएंगे। तो इन दोनों व्यू के लिए हम सबसे पहले व्यू होल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहां मैं एक नेस्टेड क्लास क्रिएट करता हूं, प्राइवेट क्लास मूवी होल्डर एक्सटेंड्स रिसाइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर। यहां हमें होल्ड करना है अल्ट बटन, प्रेस करना है एंटर और चूज करना है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे एड होल्डर, तो इसके लिए भी मैं एक नेस्टेड क्लास क्रिएट करूंगा, प्राइवेट क्लास एड होल्डर एक्सटेंड्स रिसाइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर। यहां भी हमें होल्ड करना है अल्ट बटन, प्रेस करना है एंटर और चूज करना है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर ऑप्शन। अब हमारा मूवी होल्डर और एड होल्डर रेडी है। अब हम क्रिएट करेंगे डेटा, तो हमारे डेटा के अंदर मूवीज की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। लेकिन मूवीज की इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास एडवर्टाइजमेंट की इंफॉर्मेशन इसी लिस्ट में होगी, तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो यहां सबसे पहले मैं एक मूवी का मॉडल बनाता हूं जो मूवी की इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। तो यहां मैं एक नया क्लास क्रिएट करता हूं, न्यू जावा क्लास मूवी। मूवी के अंदर होगा प्राइवेट इंट इमेज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम प्राइवेट स्ट्रिंग ईयर। अब हमें इन तीन प्रॉपर्टीज के लिए गेटर और सेटर जनरेट करना है, तो उसे जनरेट करने के लिए होल्ड कीजिए अल्ट बटन को, प्रेस कीजिए इंसर्ट और यहां हमें सेलेक्ट करना है गेटर एंड सेटर ऑप्शन।
तो इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें सारी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करनी है और ओके पे क्लिक करना है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए गेटर और सेटर जनरेट कर देगा। ये हुआ हमारा मूवी का क्लास। अब हम बनाएंगे ऐड का क्लास, न्यू जावा क्लास ऐड। यहाँ पे हमारी ऐड के अंदर सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा, तो यहाँ पे मैं प्राइवेट स्ट्रिंग टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसका भी गेटर सेटर जनरेट करता हूँ। अब यहाँ पे हमें मूवी और ऐड ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लिस्ट के अंदर डालने, तो ये अचीव करने के लिए हमें और एक क्लास बनाना पड़ेगा, न्यू जावा क्लास लिस्ट आइटम। और इस क्लास के अंदर मूवी और ऐड के अंदर जो कॉमन चीजें हैं वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे मूवी और ऐड के बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, ठीक है। और उसके बाद का स्टेप है, मैं जाता हूँ मूवी क्लास में, इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ लिस्ट आइटम। अब मैं जाऊँगा ऐड क्लास में और इसे भी एक्सटेंड करूँगा लिस्ट आइटम क्लास से। अब हम जाएंगे एडाप्टर के अंदर, यहाँ हम लिस्ट बनाएंगे लिस्ट आइटम की। तो अगर हम इन आइटम्स की लिस्ट में मूवी डालेंगे तो मूवी ऐड हो जाएगा, अगर ऐड डालेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा डाल सकते हैं। तो अब मैं इस आइटम लिस्ट को सेट करने की मेथड जनरेट करता हूँ, सेट आइटम्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट मूवी आइटम इज इक्वल्स टू, इसे हम असाइन करेंगे जीरो वैल्यू। और उसके बाद और एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा ऐड आइटम, इसको हम असाइन करेंगे वन वैल्यू। अब यहाँ पे नीचे हम और एक मेथड ओवरराइड करेंगे जिसका नाम होगा गेट आइटम व्यू टाइप। तो ये वो मेथड है फर्स्ट वाली, ये मेथड का काम है व्यू टाइप को रिजॉल्व करना, जैसे कि हमारा व्यू टाइप मूवी है या एडवर्टाइजमेंट है, राइट। तो यहाँ मैं रिटर्न करता हूँ आइटम्स डॉट गेट पोजिशन इंस्टेंस ऑफ मूवी क्वेश्चन मार्क। अगर ये आइटम मूवी का इंस्टेंस है तो हम रिटर्न करेंगे मूवी आइटम, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे ऐड आइटम। तो इस तरह से हमारी गेट आइटम व्यू टाइप मेथड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड के अंदर, यहां मैं चेक करता हूं इफ व्यू टाइप इज इक्वल्स टू मूवी आइटम। तो यहां हमें मूवी होल्डर बनाना है, तो यहां मैं बनाऊंगा मूवी होल्डर, मूवी होल्डर न्यू मूवी होल्डर। तो यहां पे मूवी होल्डर का पैरामीटर है व्यू, लेकिन अभी तक हमने मूवी का व्यू नहीं बनाया है, राइट। तो यहां मैं एक नया लेआउट क्रिएट करता हूं, राइट क्लिक न्यू लेआउट मूवी आइटम। यहां मैं टेक्स्ट मोड में स्विच करता हूं। अब ये लीनियर लेआउट वर्टिकल है, इसे मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे इमेज व्यू जो कि होगी मूवी की इमेज, इसकी विड्थ होगी मैच पैरेंट, हाइट होगी 200 डीपी। इसे मैं एक आईडी दे देता हूं, आईडी इमेज व्यू मूवी। अब हम इस हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट के अंदर एक वर्टिकल लीनियर लेआउट बनाएंगे, लीनियर लेआउट, इसकी विड्थ होगी मैच पैरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट और इसकी ओरिएंटेशन होगी वर्टिकल। इसके अंदर हम दो टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे, पहला होगा मूवी के नाम के लिए और दूसरा होगा मूवी के साल के लिए। तो यहाँ टेक्स्ट व्यू विड्थ होगी मैच पैरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट, इसका टेक्स्ट अपेयरेंस होगा टेक्स्ट अपेयरेंस डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट लार्ज। इसे मैं एक आईडी दे देता हूं, आईडी टेक्स्ट व्यू मूवी नेम।
अब ठीक इसके नीचे मैं और एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन करता हूँ। टेक्स्ट व्यू विड्थ होगी मैच पैरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट, इसका टेक्स्ट अपीयरेंस होगा मीडियम, इसे मैं आईडी दे देता हूँ आईडी टेक्स्ट व्यू मूवी ईयर। अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लिनियर लेआउट की हाइट रैप कंटेंट कर देता हूँ। इसके बाद में मैं इस इमेज व्यू और इस वर्टिकल लिनियर लेआउट को डिवाइड करूँगा इस हॉरिजॉन्टल लिनियर लेआउट में। इसको मैं विड्थ दूंगा 30% और इसको विड्थ दूंगा 70%। तो ये हम अचीव कर सकते हैं लेआउट वेट की मदद से। अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लिनियर लेआउट को वेट सम देता हूँ 10, इमेज व्यू का वेट होगा 7 और लिनियर लेआउट का वेट होगा 3। इस प्रीव्यू विंडो में आप देख सकते हो हमारा इमेज व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन मेरे पास जो इमेजेस है वो सारी हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट रेड्यूस करूँगा और लिख दूंगा 100 dp। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ मैं इमेज व्यू का स्केल टाइप डिफाइन करता हूँ, स्केल टाइप यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ फिट एक्स वाई। तो हमारी इमेज जो होगी वो इस कंटेनर के अंदर एकदम फिट बैठेगी, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हुआ मूवी आइटम का लेआउट। इसके बाद हम बनाएंगे एड आइटम का लेआउट। तो इसके लिए मैं नया लेआउट क्रिएट करता हूँ, इसका नाम होगा एड आइटम। यहाँ मैं टेक्स्ट मोड में स्विच करता हूँ और इस लिनियर लेआउट को मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ और इस लिनियर लेआउट की हाइट में लिख देता हूँ 200 dp। इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक टेक्स्ट व्यू, विड्थ होगी मैच पैरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट, इसे मैं आईडी दे देता हूँ आईडी टेक्स्ट व्यू एड टेक्स्ट। तो ये एड के टेक्स्ट के लिए एक टेक्स्ट व्यू होगा, इसका टेक्स्ट अपीयरेंस होगा लार्ज। अब हमारा मूवी आइटम और एड आइटम का लेआउट रेडी है। यहाँ मैं जाऊँगा वापस एडप्टर के अंदर, यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ एक व्यू, व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट मूवी आइटम कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स। तो यहाँ हमने इस लेआउट को जावा के व्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये व्यू हम भेज देंगे मूवी होल्डर को और इस मूवी होल्डर को हम रिटर्न कर देंगे मूवी होल्डर। अगर हमारा व्यू टाइप मूवी आइटम नहीं होगा तो वो होगा एड आइटम, राइट। तो यहाँ मैं एल्स लिखता हूँ, एल्स यहाँ मैं क्रिएट करूँगा एड होल्डर, एड होल्डर इज इक्वल्स टू न्यू एड होल्डर। इसके अंदर भी हमें पास करना होगा व्यू जो कि होगा एड का व्यू। तो यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ व्यू, व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट एड आइटम कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स। और इस व्यू को हम भेज देंगे एड होल्डर के अंदर व्यू और इसे हम सिंपली रिटर्न कर देंगे एड होल्डर। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि यहाँ तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन नहीं जाएगा। अब हमें क्रिएट करने होंगे रेफरेंसेस। यहाँ मैं जाऊँगा मूवी होल्डर क्लास के अंदर, यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ इमेज व्यू, इमेज व्यू मूवी टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू मूवी नेम टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू मूवी ईयर। हम इसे इनिशियलाइज करते हैं इमेज व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू मूवी। ऐसे ही हम टेक्स्ट व्यू को भी इनिशियलाइज करते हैं, टेक्स्ट व्यू नेम आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू मूवी नेम। इसके बाद आएगा टेक्स्ट व्यू मूवी ईयर।
टेक्स्ट व्यू मूवी ईयर तो यहां हमने हमारे विजेट्स के रेफरेंस क्रिएट किए हैं। अब हम जाएंगे एड होल्डर क्लास के अंदर और हमारे एड के टेक्स्ट का जो टेक्स्ट व्यू है उसके साथ उसका रेफरेंस क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट व्यू एड टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू एड टेक्स्ट। अब यहां पे हमारे रेफरेंसेस भी रेडी है तो अब मैं जाऊंगा हमारे अनबाइंड व्यू होल्डर मेथड के अंदर। यहां मैं चेक करूंगा हमारे होल्डर का इंस्टेंस। इफ होल्डर इज इंस्टेंस ऑफ मूवी होल्डर तो ये अगर मूवी होल्डर का इंस्टेंस है तो हम मूवी की इंफॉर्मेशन इस मूवी होल्डर को अटैच करेंगे। यहां मैं सबसे पहले होल्डर को कास्ट करूंगा मूवी होल्डर के ऑब्जेक्ट में। मूवी होल्डर इज इक्वल्स टू होल्डर। कास्ट करने के लिए हमें होल्ड करना है, अल्ट बटन प्रेस करना है, एंटर, और यहाँ फर्स्ट कास्ट का ऑप्शन चूज करना है। हम यहाँ पे सबसे ऊपर लिस्ट हमारा लिस्ट आइटम इनिशियलाइज करेंगे। लिस्ट आइटम इज इक्वल्स टू आइटम्स डॉट गेट पोजिशन। तो हम यहाँ पे लिस्ट आइटम को भी कास्ट करेंगे मूवी के ऑब्जेक्ट में। मूवी इज इक्वल्स टू लिस्ट आइटम। यहाँ पे भी कास्ट करने के लिए हमें होल्ड करना है, अल्ट बटन प्रेस करना है, एंटर, और चूज करना है फर्स्ट कास्ट का ऑप्शन। अब इसके नीचे हम सेट करेंगे मूवी की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मूवी का नाम सेट करता हूँ, मूवी होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू मूवी नेम डॉट सेट टेक्स्ट मूवी डॉट गेट नेम। तो यहाँ पे नाम सेट हो गया मूवी होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू ईयर डॉट सेट टेक्स्ट मूवी डॉट गेट ईयर। तो यहाँ पे साल सेट हो गया। और इसके बाद हम सेट करेंगे इमेज व्यू जिसके लिए हमें ड्रॉएबल की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं ड्रॉएबल क्रिएट करता हूँ। ड्रॉएबल इज इक्वल्स टू मूवी होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिसोर्सेज डॉट गेट ड्रॉएबल। यहाँ हमें पास करना है ड्रॉएबल का रिसोर्स आईडी जो कि है मूवी डॉट गेट इमेज, और इसे हम सेट कर देते हैं मूवी होल्डर डॉट इमेज व्यू मूवी डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल ड्रॉएबल। तो यहाँ हमने सेट किया मूवी की इंफॉर्मेशन अगर हमारे होल्डर का इंस्टेंस मूवी होल्डर का है तो। एल्स में क्या होगा? एल्स में होगा ऐड का इंस्टेंस, राइट। तो यहाँ मैं सबसे पहले कास्ट करूँगा हमारे होल्डर को ऐड होल्डर के क्लास में। ऐड होल्डर इज इक्वल्स टू होल्डर। यहाँ हमें कास्ट करने के लिए होल्ड करना है, अल्ट बटन प्रेस करना है, एंटर, और चूज करना है फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद मैं कास्ट करूँगा हमारे लिस्ट आइटम को ऐड के क्लास में। तो यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ ऐड इज इक्वल्स टू लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे भी कास्ट करने के लिए होल्ड करना है, अल्ट बटन प्रेस करना है, एंटर, चूज करना है कास्ट का ऑप्शन। अब हम सेट करेंगे ऐड होल्डर का टेक्स्ट। तो ऐड होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू ऐड टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट ऐड डॉट गेट टेक्स्ट। तो यहाँ हमारा अनबाइंड व्यू होल्डर मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे गेट आइटम काउंट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास आइटम्स डॉट साइज नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, राइट। तो अब हमारा एडप्टर का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ एडप्टर। एडप्टर इज इक्वल्स टू न्यू एडप्टर। लेकिन इस एडप्टर को रिसाइक्लर व्यू से अटैच करने से पहले हमें एडप्टर को डेटा प्रोवाइड करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया मेथड क्रिएट करता हूँ। आपको चाहिए तो आप डेटा सर्वर से लोड कर सकते हो। यहाँ मैं प्रोग्रामेटिकली डेटा बना रहा हूँ। यहाँ मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक वाइड लोड
डेटा। इसके अंदर मैं प्रोग्रामेटिकली डेटा क्रिएट करूंगा। तो मैंने ट्यूटोरियल से पहले ही कुछ डेटा क्रिएट करके रखा था, तो सिंपली मैं वो डेटा यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो ये है मेरा डेटा, लेकिन मैंने इमेजेस कॉपी नहीं की है, इसी वजह से ये एरर आ रहा है, यहाँ पे रेड लाइन दिख रही है, राइट। तो मेरी इमेजेस है यहाँ पे, मैं इन्हें कंट्रोल ऑल कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ हमारे ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। तो यहाँ ये एरर चला गया। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट करता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज स्मॉलर देन इमेज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और इसके पहले, फॉर लूप के पहले, मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट आइटम आइटम्स इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। अब हम हर एक मूवी बनाएंगे और इस आइटम की लिस्ट में डाल देंगे। तो यहाँ मैं नया मूवी क्रिएट करता हूँ, मूवी मूवी इज इक्वल्स टू न्यू मूवी, इसका नाम मूवी का नाम होगा मूवी डॉट सेट नेम मूवी नेम ऑफ आई। उसके बाद मूवी का साल सेट ईयर मूवी ईयर ऑफ आई। उसके बाद मूवी की इमेज मूवी डॉट सेट इमेज इमेज ऑफ आई। और सबसे लास्ट में ये मूवी में ऐड कर दूंगा इस आइटम्स की लिस्ट में, आइटम्स डॉट ऐड मूवी। तो यहाँ पे हमारी सारी मूवीज की लिस्ट रेडी होंगी। तो यहाँ मैं इन मूवीज के बीच में रैंडमली कुछ एड्स डाल दूंगा। तो उसके लिए मैं इफ आई मॉडुलस ऑफ टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ ऐड ऐड इज इक्वल्स टू न्यू ऐड, और ऐड का टेक्स्ट होगा ऐड डॉट सेट टेक्स्ट दिस इज ए ऐड, और इसे मैं ऐड कर दूंगा हमारी आइटम्स की लिस्ट में, ऐड डॉट ऐड। अब मैं इस लिस्ट आइटम को रिटर्न कर दूंगा इस मेथड को। तो यहां मैं रिटर्न टाइप चेंज करके लिस्ट ऑफ लिस्ट आइटम कर देता हूं, और यहां मैं रिटर्न कर देता हूं आइटम्स। तो अब हमारी डेटा लोडिंग की मेथड रेडी है। तो यहां मैं एडप्टर डॉट सेट आइटम्स इज इक्वल्स टू लोड डेटा पास कर देता हूं। तो हमारे एडप्टर को अब डेटा मिल गया। अब हम इस एडप्टर को अटैच करेंगे हमारे रिसाइक्लर व्यू के साथ, रिसाइक्लर व्यू डॉट सेट एडप्टर एडप्टर। इसके बाद रिसाइक्लर व्यू का लेआउट मैनेजर सेट करेंगे, सेट रिसाइक्लर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और कॉन्टेक्स्ट होगा दिस। तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट रेडी है। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारा फर्स्ट आइटम टूल बार के नीचे चला गया है। तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, और हमारा ऐड आइटम कुछ थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इसे हम जल्दी से फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले मैं टूल बार का इशू फिक्स करता हूँ। यहाँ मैं जाऊँगा कंटेंट मेन में, और यहाँ मैं टॉप मार्जिन इस रिसाइक्लर व्यू को दूंगा टॉप क्वेश्चन मार्क एट्रीब्यूट्स एक्शन बार साइज। तो इसके बाद हम फिक्स करेंगे हमारे ऐड का आइटम। तो यहाँ मैं जाऊँगा ऐड आइटम में, इसकी हाइट में दे देता हूँ 50 dp। इस टेक्स्ट व्यू की मैं लेआउट ग्रेविटी सेट करता हूँ सेंटर, और ग्रेविटी भी होगी सेंटर। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा रिसाइक्लर व्यू प्रॉपर दिख रहा है, राइट। तो ये जो हमारा मूवी की इंफॉर्मेशन है, ये एक डिफरेंट व्यू है,
और ये जो ऐड की इन्फॉर्मेशन है, दिस इज ऐड, ये एक डिफरेंट व्यू है, राइट। तो इस प्रकार से हम हमारे रिसाइक्लर व्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट व्यू ऐड कर सकते हैं। तो गाइज यही अंत इस वीडियो का। अगली वीडियो में हम सीखेंगे हमारी रिसाइक्लर व्यू के जो आइटम्स है उनके बीच में स्पेस कैसे डालेंगे। आप इस ट्यूटोरियल का सोर्स कोड मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।